सट्टेबाजियों कल पीएससी परीक्षा परिणाम 2021 को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोक सेवा आयोग जैसे विश्वसनीय संस्था पर बीजेपी सवाल उठा रही है। यह बीजेपी का राजनीतिक स्वार्थ है। बीजेपी के पास गड़बड़ी के प्रमाण है तो दे जांच कराएंगे। तो कोई प्रमाण है तो पता है क्या प्रैक्टिस हुआ था, और यदि आप बताएंगे कि कहां पे क्या गड़बड़ी हुई है। आप सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, इसमें रिश्तेदारों का चयन कैसे हो गया, आपसी भाई बहन का चयन कैसे हो गया, आप बोलते हैं कैसे इसमें नेताओं का संबंध हो गया। ये कोई गड़बड़ी के आरोप तथ्य तो नहीं है। इस प्रकार की सूची पहले भी आई थी, हमने सार्वजनिक किया था और कल हम फिर सार्वजनिक करेंगे। जब इनका प्रदर्शन होगा तो हम कुछ नए तथ्य के साथ इसमें बताएंगे कि गड़बड़ियां तो आपके समय हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद तो पीएससी में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, पीएससी के समयबद्धता को सुनिश्चित करने का काम किया गया है। फिल्म आदि पुरुष के बारे में बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाकी कोई और विषय हो तो थिएटर में आग लगाने पहुंच जाते हैं, पर्दे फाड़ देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आदि पुरुष में बजरंग बली के मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करवाया गया है। आदि पुरुष के माध्यम से लोगों के मान्यताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छद्म हिंदुत्व सामने आया है। ये बाकी कोई विषय हो तो उसमें आग लगाने पहुंच जाते हैं, थिएटर के पर्दे फाड़ देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और आदि पुरुष में जिस प्रकार से आदरणीय बजरंग बली के मुंह से अपशब्दों का प्रयोग करवाया गया है, जिस प्रकार से आदि पुरुष के माध्यम से हिंदू धर्म की मान्यताओं को भ्रमित करने का काम किया गया है, लोगों को इसके कारण दुखी हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता सिर्फ इसलिए इसमें चुप है क्योंकि इसका जो लेखक है वो भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार है। सिर्फ इसलिए चुप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके निर्माता निर्देशकों से मिले हुए हैं। ये तो गलत है। यदि आपका फायदा होता है तब आप अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा रहे हैं। अब आपको हिंदुत्व की याद नहीं आ रही है, अब आपको सनातन धर्म की याद नहीं आ रही, अब आपको बजरंग बली की याद नहीं आ रही। ये तो बजरंग बली के मुंह से बजरंगियों की भाषा बुलवाने की कोशिश की गई है। प्रदेश में एक तरफ बीजेपी प्रदेश सरकार को शराबबंदी की याद दिलाती रहती है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पूर्ण नशाबंदी की बात करती है। नशेबंदी को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, जब जब नशाबंदी की बात आती है तब तब भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। हुक्का बार बंद हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध किया था। नशे के कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे संलिप्त है। जब नशाबंदी और कार्रवाई करते हैं तो इनके पेट में सीधे लात पड़ती है। सुशील आनंद ने कहा कि अभी तक जितने लोग शराब की तस्करी में पकड़े गए हैं उसमें 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। जब जब नशेबंदी की बात आती है भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। आपको याद होगा कि जब हुक्का बार बंद किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता उसका विरोध किया था। दरअसल नशे के कारोबार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे संलिप्त हैं और जब जब नशेबंदी की बात आती है उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है तो इनके पेट पे लात पड़ता है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करते हैं, ताकि ये शराब की तस्करी कर सके। और अभी तक जितने लोग भी पकड़ाए हैं शराब के तस्कर में, और उसमें तो राजनीतिक दल की संबद्धता की बात आती है, तो 95% लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। कहीं भाजयुमो का बालोद का उपाध्यक्ष रहता है, कहीं भाजयुमो का मुंगेली का अध्यक्ष रहता है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव रहता है, राजनाथ गांव में पकड़ाता है, बलौदा बाजार में पकड़ाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और जब जब नशे के कारोबार पे नकेल कसी जाती है भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। दरअसल इनका आर्थिक स्रोत बंद होता है।